और बीच में मालूम हुआ होगा कि कुछ लोगों से मेरी बातचीत हम लोगों की हुई थी और इधर उधर से मैसेज आ रहा था कि आप लोग मुनाजरा क्यों नहीं कर लेते, मुनाजरा कर लेते तो बड़ा अच्छा था। हाँ, आप अच्छे हैं कि वो अच्छे हैं पता चल जाता। इधर उधर की बहुत हवा हम लोग सुने, बहुत तरह की बात आई। हमने उनको मैसेज किया, खबर किया कि भाई ठीक है, हम तो मुनाजरे के लिए तैयार हैं, जिस दिन आप चले आइए, दुकान में आइए, मकान में आइए, घर में आइए, खलिहान में आइए, जहाँ चाहिए वहाँ जलसे में चलाइए। लेकिन अफसोस की बात है कि ना दुकान में आए, ना मकान में आए, ना खलिहान में आए, ना मैदान में आए, ना खानकाह में आए, ना जलसे में आए। अरे भाई, तो फिर मुनाजरा कब कीजिएगा, दो तीन साल तो हो गया। तो मैं अब उन लोगों को अब कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत इंतज़ार किया, अब इंतज़ार नहीं करूँगा, दुनिया में और भी काम है मेरे, मैं आपके मुनाजरे के लिए बैठा हुआ नहीं रहूँगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुनाजरा क्यों करना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, आप हमसे मुनाजरा क्यों करना चाहते हैं? तो लोगों का हमको लगता है कि शायद सवाल का जवाब यही होगा कि भाई हम यही मुनाजरा करना चाहते हैं ताकि हम देखें कि आप जानते हैं ज्यादा कि हम। जाहिर सी बात है, मुनाजरा का आपका मकसद क्या है? आप यही चाहते होंगे कि हम ज्यादा जानते हैं कि वो। अरे भाई, तो हमने पहले कह दिया था आपको अगले भी ऑडियो में कि भाई हम तो हार मान लिया, हम कहां कह रहे हैं कि आपसे हम जीत गए। आप मुनाजरा नहीं किए तो भी आप जीत गए, करते तो भी आप ही जीत जाते, आते हैं तो भी आप जीते रहिए, नहीं आते हैं तो भी आप जीते रहिए, आप जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए। हमको हमारे हार पे छोड़ दीजिए, हमको हमारे हार को छोड़ दीजिए, हम अपने हार को पहनते रहेंगे और गाना गाते रहेंगे। अपने हार को बार बार पहनेंगे, हमको हारने का बड़ा शौक है, हमको जीतने का कोई शौक नहीं है। हम दिल हार चुके हैं, हम सब कुछ हार चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे इस दिल हारने में, हमारे इस तरह के हार में हमारी जीत हो जाए। सुभान अल्लाह, हमको तुमसे जीतने की आवश्यकता नहीं है, हमको हमारे यार से जीतने की आवश्यकता। सुभान अल्लाह, हम अपने यार से तभी जीतेंगे तब हम जबकि हम अपने आप को हारेंगे। तुमको अगर अपने यार को जीतना हो तो तुम खुद भी जीतो, अपने यार को भी जीतो, लेकिन हमको नहीं जीतने का शौक है, हमको अपने यार को जिताने का शौक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमको लगता है कि अगर आपको मुनाजरे का शौक है तो शौक से आइए, लेकिन हमको लगता है कि जिस मकसदियत के तहत आप आना चाहते थे वो मकसदियत आपकी फौत कर दी, वो मकसदियत की हवा मैंने निकाल दिया, इसलिए कि आप इसलिए मुनाजरा करना चाहते थे कि आप ये साबित कर लीजिए कि आप महान हैं और हम बिल्कुल दहकान हैं, आप बहुत बड़े हस्ती हैं और हम बहुत बड़ी पस्ती हैं। तो भाई, मैंने तो अपनी पस्ती को कबूल कर लिया है, अब हमको लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी अकीदे के मानने वाले को हमसे मुनाजरा करने की कोई आवश्यकता बाकी नहीं रह गई है। फिर भी अगर शौकियन आना चाहते हैं तो आ जाइए, आपको हम रोकेंगे भी, दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, आज से नहीं सालों साल से खुला हुआ है। इतिहास, इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी लोग आए मुक्की खा कर गए। सुभान अल्लाह, और मैं चाहता हूं कि आपकी इज्जत बरकरार रहे, मैं चाहता हूं कि आप मुक्की ना खाएं, आप जय जय रहिए, हमको भी जय जय रहने दीजिए। हम नहीं चाहते कि आप इज्जत हुई, अच्छा नहीं लगता है, कोई हारता है, कोई जीतता है तो बड़ा खराब लगता है, वो सिचुएशन ही पैदा नहीं होने दीजिए, विन विन सिचुएशन रखिए, आप लोग भी जीतिए, हम लोग को भी जीतने दीजिए।